आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध श्री माता धरती का बोध हो। आज का विषय है कि अगला राष्ट्रपति कौन, अगला राष्ट्रपति भारत का कौन हो सकते हैं। अब सामने ही जून के बाद जुलाई में राष्ट्रपति का होगा चुनाव। अब अगला राष्ट्रपति भारत के कौन बनने जा रहे हैं, आइए इसकी समीक्षा हम संक्षेप में कर लेते हैं। राष्ट्रपति प्रायः सत्ताधारी पार्टी से ही बनते हैं, जिसे सत्ताधारी पार्टी चाहती है बनाना राष्ट्रपति, वे ही राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं, चुने जाते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में योग्यता ज्यादा मायने नहीं रख रहा है। हम जैसा व्यवहार में देख रहे हैं अभी कि योग्यता बहुत अधिक मायने नहीं रखती है। आप देखिए ना, वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, अच्छा इनसे अधिक योग्य व्यक्ति क्या भाजपा में नहीं थे, देश में नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन इनका ही चयन चुनाव हुआ क्यों, ये तो राजनीतिक बात है, इस पर भी हम आपके सामने समीक्षा रखेंगे। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर करें और अपने तीन दोस्तों को भी हमसे जोड़ें। आपको याद है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी अब तक वेटिंग में हैं, हैं? वे तो पहले पीएम के ही थे वेटिंग में, लेकिन अब तो वह संभव नहीं रह गया है, तो फिर लगा कि शायद राष्ट्रपति हमें बना दिया जाए, लेकिन उसका भी संयोग नहीं हो पाया। और रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बना दिया गया भाजपा के द्वारा, श्री मोदी जी के द्वारा। इसमें राजनीति क्या है, इस पर थोड़ा सा गहरे मंथन करना है। देखिए, भाजपा खास रूप से हिंदुओं की पार्टी है, यानी कि हिंदू ही प्रायः उसके वोटर हैं, दूसरे संप्रदाय पंथ मजहब के लोग कहीं व्यक्तिगत वजहों से वोट दे दिया करते हैं, लेकिन उनका बहुमत भाजपा को वोट नहीं देता है। तो जो है मेनली हिंदुओं की पार्टी है, और हिंदुओं का एक मुख्य घटक है दलित हरिजन वर्ग, है ना। और दलित हरिजन वर्ग को बहुत सारी पार्टियां अपनी ओर चाहती हैं खींचना, जैसे ओवैसी वगैरह जो है वे दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बना रहे हैं, है ना। और भी कई पार्टियां हैं जो कि दलित को अपनी तरफ खींच रही हैं या खींचना चाह रही हैं। और ऐसे अब दलित शब्द कहना अच्छा नहीं है, लेकिन राजनीतिक शब्द है, चल रहा है, इसीलिए मैं भी इसका उपयोग और मैं भी इसे चला रहा हूं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा है विचारना कि कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व, कुछ अवैसी जैसे लोग दलितों को हिंदुओं से काट कर देखते हैं, दिखाते हैं, और वे दलितों को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। तो अब उपाय क्या है, उपाय यही है कि आप भी उसे अपनी तरफ लाने मिलाने का भरसक कीजिए प्रयास। और इसी प्रयास के परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले हरिजनों के दलितों के पक्ष में बने थे कानून, कि आपने अगर उनके जातिगत नाम के भी साथ लिया बुला के तो आप पर हो जाएगा कि इस तरह के एक कानून दिए गए बना। तो दलितों को खुश करने के लिए इस तरह के एक कानून बनाए गए,
कि दलित हमसे चिपका रहे, हमारे हृदय का हार बना हुआ रहे, हमारे समाज का हिस्सा बना रहे वो। और इसीलिए आज देखते हैं कि सारे मठ मंदिरों में भी महंत और पुजारी दलित हरजन भी बनाए जा रहे हैं, बनाए जाते रहे हैं दशकों से। और दलित भाई हमसे अलग ना हो इसलिए उन्हें विशेष सम्मान देने की आवश्यकता समझी गई। और इसीलिए दलित हरजन वर्ग से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को भाजपा ने अपने सिर पर बैठाया, भारत के सर्वोच्च पद पर बैठाया, भारत का बनाया उन्हें पहला नागरिक। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि में रामनाथ कोविंद से अधिक योग्य व्यक्ति उनकी पार्टी में नहीं था। वे राज्यपाल भी थे पहले और आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, इसलिए सामान्य टैलेंट वाले रामनाथ कोविंद जी को भी भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बनाया गया है। अब इसके बाद विचारना है कि अगला दाव क्या होगा, भाजपा यानी कि सत्ताधारी पार्टी का अगला दाव क्या होगा, अगला राष्ट्रपति वे किन्हें चुनेंगे। तो बस जाहिर सी बात है कि बस राजनीतिक रूप से जिन्हें आगे लाना होगा फायदेमंद, भविष्य की राजनीति को देखते हुए राष्ट्रपति का चुना जाता है कैंडिडेट। तो अब अगला कौन, तो अगला में हो सकती है कि महिला वोटरों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करने के लिए किसी महिला को बना दिया जाए, या फिर दोबारा किसी दलित को भी बनाया जा सकता है। हाँ, ये तो तय लग रहा है मुझे कि अब दोबारा रामनाथ कोविंद जी को मौका नहीं मिलने वाला, लेकिन दलित अन्य और चेहरा जो होंगे पार्टी की दृष्टि में उन्हें अगला राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और ऐसे हमें नहीं लगता कि वाजपेयी जी की तरह श्री मोदी जी मुस्लिम कार्ड खेलने वाले हैं, और ऐसे मुस्लिमों में भी भाजपा का एक एक प्यारा नेता है, वो है आरिफ मोहम्मद खान, जो कि अभी राज्यपाल भी हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि भाजपा श्री मोदी जी मुस्लिम कार्ड खेलेंगे, इसलिए कि इससे कट्टर हिंदू भाई जाएंगे विदक, और ये खतरा वे मोल लेना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो अब जो है महिला या फिर दलित, और एक एक तीसरी भी संभावना है, वो है क्या, वो है दक्षिण भारत की राजनीति साधने का कार्ड, अपनी पैट को दक्षिण भारत में बढ़ाना है। तो फिर अभी जो है वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी, उनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो ये तीन विकल्प भाजपा के सामने में है, महिला, दलित या फिर दक्षिण भारत राजनीतिक कार्ड के रूप में वर्तमान उपराष्ट्रपति महोदय को राष्ट्रपति बनाया जाना। लेकिन मित्रों, श्री मोदी जी की जो कार्यशैली है वो चौंकाने वाली भी होती है कभी कभी, इसलिए बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी हो पाना संभव नहीं है। लेकिन 99.99% हमें लगता है कि इन्हीं तीन में से एक को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। और यदि महिला राष्ट्रपति के बारे में सत्ताधारी पार्टी ने सोचा तो दो नाम है उसके साथ, है वर्तमान राज्यपाल अल आनंदी बेन पटेल, और दूसरी है जो पहले लोकसभा स्पीकर थी श्रीमती सुमित्रा महाजन जी। तो इन दो में से
एक को राष्ट्रपति के लिए नामित किया जा सकता है, लेकिन अब तो राजनीति किस नबट लेगी ये तो अप्रैल मई में ही पता चलेगा। अभी तो बस अटकलें हैं, और आप भी अपनी अटकलें भेजिए, अपनी राय भेजिए। धन्यवाद।